What is up guys, मैं हूं सचिन जांगड़ा और आप लोग देख रहे हो सचिन's बायो क्लासेस। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड सबसे पहले आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग फाइन। तो अभी करते हैं हमारी आज की वीडियो की बात। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग MBBS कर रहे हैं या फिर BDS भी कर रहे हैं या फिर जो बच्चे एनाटॉमी पढ़ते हैं, बेसिकली उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 ऑनलाइन सोर्सेज टू स्टडी एनाटॉमी। एनाटॉमी पढ़ने के लिए टॉप 5 आपको ऑनलाइन सोर्सेज बताऊंगा। ऑनलाइन सोर्सेज में सारी चीज बताऊंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको YouTube चैनल्स बता रहा हूँ, सिर्फ टीचर्स बता रहा हूँ, नहीं, आपको टीचर्स भी बताऊंगा। उसके बाद आपको ऐसे सोर्सेज भी बताऊंगा जहां से आप क्लिनिकल पार्ट को भी अच्छे से समझ सकते हो। एंड उसके बाद ऐसी चीज भी डिस्कस करूंगा जिससे आप अपने नोट्स वगैरह सब कुछ आसानी से बना सकते हो, ताकि कंप्लीट आपकी एनाटॉमी कवर हो जाए उन टॉप 5 ऑनलाइन सोर्सेज से। राइट, तो वीडियो रहेगी हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग, लास्ट तक देखना प्लीज। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि एनाटॉमी कितना बेसिक सब्जेक्ट है हर एक मेडिकल स्टूडेंट का। इट्स वेरी वेरी बेसिक और सबको आना चाहिए एनाटॉमी अच्छे से, तभी आप आगे की तरफ बढ़ पाते हो। आगे जो आपके सब्जेक्ट आते हैं उनको आप अच्छे से टैकल कर पाते हो। और एनाटॉमी इज नॉट ओनली वेरी बेसिक बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल सब्जेक्ट फॉर अस, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम लोग जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो वही हमारा बेस होता है, एनाटॉमी एक तरह से कोर है, हमारा बेस है। राइट, तो अगर हम एनाटॉमी अच्छे से करते हैं तो ऑब्वियसली आगे के सब्जेक्ट्स के लिए हमें आसानी होती है और काफी मदद मिलती है अगर हमारी एनाटॉमी अच्छी है तो। ठीक है, तो बात करते हैं वीडियो की। और सबसे पहले नंबर वन सोर्स की मैं बात करता हूं, तो नंबर वन सोर्स है यूट्यूब पे सैम वेबस्टर। यूट्यूब पे आपको एक चैनल मिलेगा सैम वेबस्टर करके, और मैं पहले भी अपनी वीडियोस में इनका जिक्र कर चुका हूँ, इन टीचर का। और ये यूके में पढ़ाते हैं, यूके में वेल्स यूनिवर्सिटी है, वहां पे ये एनाटॉमी के लेक्चर आ रहे हैं। और मुझे पर्सनली इनकी एनाटॉमी बहुत अच्छी लगती है। इनके पास एक स्केलेटन होता है और उससे ये बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, तो एकदम अच्छे टीचर हैं। आप एक बार जरूर इनका चैनल विजिट करना और आपको सारी चीजें मिलेंगी। और एक जो सबसे अच्छी बात मेरे को इनकी लगती है वो ये कि ये सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि वो एकदम जो टीचर होते हैं जो आपको बुक वॉर्म बना के छोड़ते हैं, वैसे वाले टीचर नहीं है वो, आप एकदम प्रैक्टिकल टीचर हैं, एकदम फनी वे में आपको पढ़ाते हैं। वो दो वीडियो डालते हैं एक वीक में, एक वीडियो में उनका व्लॉग होता है, एक उनका व्लॉग होता है, ठीक है, और एक में वो कोई भी एनाटॉमी का टॉपिक कवर करते हैं। आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है एनाटॉमी के ऊपर। तो अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पे जाओ, सिंपली उस टॉपिक का नाम लिखो एंड उसके बाद आप सैम वेबस्टर लिख दो, उनकी वीडियो जरूर आ जाएगी। 15 से 20 मिनट की उनकी एवरेज वीडियो होती है, बट आपको पता भी नहीं लगेगा कि 15 से 20 मिनट कब आपके निकल गए। आपको इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका जो भी टॉपिक है, जो भी आपका डाउट है। नंबर टू सोर्स की बात कर लेते हैं यार, नंबर टू ऑनलाइन सोर्स। और नंबर टू भी एक टीचर हैं हमारे जो पढ़ाते हैं एनाटॉमी, और नंबर टू पे आते हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार। डॉक्टर अश्विनी कुमार बहुत ज्यादा अच्छा एनाटॉमी पढ़ाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैंने पर्सनली उनकी खूब सारी वीडियोज देखी हैं, और यहाँ पे वो एज यू ऑल नो कि मैं वेनेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो वो यहाँ भी आए थे। तो ज्यादा टाइम नहीं था उनके पास उस टाइम, बट वो 2-3 क्लासेस देके गए थे और उसमें थोड़ा स्पीड ज्यादा था, बट उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। तो उसके बाद से फिर हम लोगों ने एनाटॉमी उनसे पढ़ी है। उनके यूट्यूब चैनल पे, उनका पर्सनल एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अश्विनी कुमार एनाटॉमी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। एंड एक और डॉक्टर भाटिया इंस्टीट्यूट जो है उसमें वो टीचर हैं अभी, वहां पे वो पढ़ाते हैं अभी, तो वहां पे भी उनकी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 1 घंटे से ऊपर के उनके लेक्चर्स आपको मिलेंगे बहुत सारे, जो पूरा एक टॉपिक कवर करवाते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन स्केलेटन, अभी उन्होंने जस्ट रिसेंटली 2-3 वीडियोस डाली हैं बेसिक से एकदम, जिसमें वो आपको स्केलेटन का ओवरव्यू देते हैं, उसके बाद स्केलेटन का क्लासिफिकेशन, उसके बाद बोन्स का क्लासिफिकेशन, उसके बाद बोन्स का ब्लड सप्लाई, लॉन्ग बोन का ब्लड सप्लाई, और वो सारी चीजें आपको कवर करवाते हैं वो शुरू के 2-3 टॉपिक्स में। तो उनकी वीडियो जरूर देखना जहां से भी आपको मौका मिल रहा है। उनके खुद के चैनल पे ऑलरेडी हैं बहुत सारी वीडियोस, एंड डॉक्टर भाटिया इंस्टीट्यूट पे भी वो डालते रहते हैं। क्विक रिव्यू भी होता है वीडियोस का, मतलब क्विक रिव्यू वीडियोस भी होती है, कोई भी टॉपिक है उसका क्विक रिव्यू के लिए एक कोई भी वो वीडियो डालते हैं, या फिर खुद लंबे लेक्चर्स भी वो डालते हैं, 1-1 घंटे के लेक्चर्स भी होते हैं उनके काफी सारे। तो नंबर टू पे आते हैं हमारे डॉक्टर अश्विनी कुमार एनाटॉमी, और ये पर्सनली ही इज वन ऑफ माई फेवरेट टीचर सैम वेबस्टर के बाद ऑब्वियसली। तो अब हम आते हैं नंबर तीन की तरफ, नंबर थ्री हमारा सोर्स देखते हैं कि क्या है एनाटॉमी पढ़ने के लिए। तो डॉक्टर सैम वेबस्टर के बाद आते हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार। डॉक्टर अश्विनी कुमार के बाद एक टीचर और हैं, अगर मैं उनको मेंशन ना करूं तो बिल्कुल सही नहीं होगा, और डॉक्टर आजम आते हैं तीसरे नंबर पर। डॉक्टर आजम अन अकेडमी में पढ़ाते हैं, अन अकेडमी में उनकी बहुत सारी वीडियोज हैं ऑलरेडी जो मतलब एनाटॉमी के ऊपर हैं, एनाटॉमी वो पढ़ाते ही हैं।
तो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाएंगे, इतने फनी वे में आपको पढ़ाते हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से। एक बार भी आपको ये नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हो उनकी वीडियोस देख के या फिर उनसे पढ़ के। तो मस्ट रिकमेंडेड चैनल फॉर यू गाइस, अगर आप एनाटॉमी पढ़ने के शौकीन हो, अगर आपको अच्छे से एनाटॉमी पढ़नी है तो डेफिनेटली वो चैनल पे जाओ, डॉक्टर आजम है, उनकी एनाटॉमी आप पढ़ो, ठीक है, उनकी वीडियोस आप देखो एंड आपको एनाटॉमी काफी क्लियर होगी। तो ये तीन टीचर्स की बात हुई, तीन टीचर्स मैंने आपको बताया मेरे हिसाब से, हो सकता है सबके अलग अलग होते ही हैं, सबके फेवरेट अलग अलग टीचर्स होते हैं, किसी को किसी का समझ आता है, किसी को किसी का। मैंने अपने ये थ्री फेवरेट्स बताए, मेरे को इन तीनों की एनाटॉमी सबसे ज्यादा समझ आई। तो ये तो बात होगी यार लेक्चर्स की, मतलब जो लोग पढ़ाते हैं, जो टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं साथ साथ। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज की, मतलब ऑब्वियसली अगर आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो और स्पेशली अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि भाई यहाँ पे कितना कम क्लिनिकल एक्सपोजर रहता है, आपको कोई आइडिया नहीं होता यहाँ पे कि लोग क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे हैं। टीचर्स बस पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाते भी नहीं है ऑब्वियसली, आपको बस बोलते हैं कि 10 पेज करके लाओ एनाटॉमी के, 15 पेज करके लाओ, उसके बाद वो आपका ओरल ले लेते हैं तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। ज्यादा कैडेवर्स वगैरह कुछ होते नहीं है, डिसेक्शन वगैरह कुछ होता नहीं है, तो आपको प्रैक्टिकल की जरूरत रहती है, बहुत ज्यादा रहती है, स्पेशली अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हो। तो अब हम आते हैं हमारे नंबर 4 ऑनलाइन सोर्स की तरफ, और नंबर 4 पे आता है आपका वाइवा वॉइस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। ये आप यूट्यूब पे आपको चैनल मिलेगा, इस चैनल को आप विजिट करना और इसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल वीडियोस मिलेंगी, मतलब आपके सामने कैडेवर होता है और कैडेवर से आपको पढ़ाया जाता है कि ऐसे ये पार्ट यहाँ होता है, ये पार्ट यहाँ होता है, ये पार्ट यहाँ होता है। तो लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस होती हैं, स्पेशली हम लोगों के लिए जिनकी जिंदगी में एकदम अकाल पड़ा रहता है कि भाई कब कैडेवर देखने को मिलेगा, कब कैडेवर देखने को मिलेगा। तो एक बार जरूर विजिट करना और आपको चैनल बहुत पसंद आएगा। तो वाइवा वॉइस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी आता है हमारा नंबर 4 पे। इसके साथ ही एक चैनल और है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ उसे भी नंबर 4 के अंदर ही, और वो भी आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। अब इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एक फॉरेन चैनल है, फॉरेन यूट्यूब चैनल है, नॉट इंडियन। वाइवा वॉइस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इज ऑब्वियसली इंडियन चैनल। तो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी पे आप जाना, वहां पे भी आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी, वो आपको पढ़ाते हैं ऑब्वियसली कैडेवर से ही पढ़ाते हैं, और कैडेवर से बहुत अलग अलग चीजें आपको एक्सप्लेन करते हैं, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको एक्सप्लेन करी जाती हैं। तो क्यूरियोसिटी आपकी जो होती है एनाटॉमी से रिलेटेड वो लोग बढ़ाते हैं, और एक एक पार्ट को, एक एक अलग अलग पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है, अच्छे से आपको समझाया जाता है कि भाई यहाँ पे ये ऐसे काम करता है, यहाँ पे ऐसे काम करता है, यहाँ पे ऐसे काम करता है, ये पार्ट राइट। तो ये हो गया हमारा नंबर 4 के जो 2 ऑनलाइन सोर्सेज थे मैंने बताए। अब आते हैं हमारे नंबर 5 और फाइनल ऑनलाइन सोर्स की तरफ। अब देखो आपने मैंने टीचर्स को मेंशन किया, मैंने बताया कि कौन कौन से टीचर्स अच्छे लगते हैं मेरे को और जो आपको भी मोस्ट प्रोबेबली आपको भी अच्छे लगेंगे, आप एक बार उनके वीडियोस देखोगे। तो टीचर्स ने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल पार्ट भी हो गया, बट आपको नोट्स भी बनाने हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक नोट्स फॉर एनाटॉमी, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि एनाटॉमी इतना ज्यादा डाइवर्स सब्जेक्ट है कि आप इतना याद नहीं रख पाओगे, ऑब्वियसली इतना याद नहीं रख पाओगे। तो आपको नोट्स बनाने ही बनाने, मस्ट होते हैं नोट्स बनाने। तो अब ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप नोट्स कहाँ से बनाते हो। वैसे तो जो टीचर्स मैंने मेंशन किए, स्पेशली डॉक्टर अश्विनी कुमार और डॉक्टर आजम, डॉक्टर सैम वेबस्टर आपको नोट्स तो नहीं बनवाएंगे, बट डॉक्टर अश्विनी कुमार और डॉक्टर आजम वो आपको नोट्स डेफिनेटली बनवाते हैं। उनके साथ साथ अगर ऐसा कुछ हो कि क्विक रिविजन के लिए आपके पास कोई मटीरियल है पढ़ने के लिए जो आपने बनाया हो, ठीक है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो नंबर 5 अगर मैं सोर्स की बात करूं तो उसमें आता है आपका canhub.com। अब ये एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, मैंने जस्ट ऐसी एक्सीडेंटली मेरे को मिली, मेरे को भी ज्यादा पता नहीं था इस वेबसाइट के बारे में, मैं ऐसे ही गूगल पे टाइप कर रहा था किसी पर्टिकुलर टॉपिक, कोई था टॉपिक जो मैं पढ़ रहा था एनाटॉमी का, एंड मैंने जस्ट लकीली मेरे को ये वेबसाइट मिली canhub.com। तो canhub.com में क्या होता है, आप canhub.com में जाओगे, canhub.com की वेब एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगी, ऐप भी मिल जाएगी प्ले स्टोर पे, या फिर वेबसाइट, मैं तो वेबसाइट ही यूज करता हूँ। तो आप वेबसाइट पे जाओ, वैसे इनका प्रीमियम आपको मिलेगा, मतलब अगर आपको पूरा कंप्लीट पैकेज खरीदना है तो आपको प्रीमियम खरीदना पड़ेगा इनका, जिसका चार्ज मेरे को नहीं पता कि कितना रहता है, बट अभी हम नोट्स की बात कर रहे हैं तो नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे। तो नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप वेब canhub.com खोलोगे आप, उसके बाद कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल आपको ह्यूमरस पढ़ना है, आपको रेडियस पढ़ना है, आपको अलना पढ़ना है, वो आप गूगल पे लिख देना या फिर canhub.com के अंदर जाके सर्च कर लेना, वो आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आप टॉपिक खोलोगे आपको एकदम इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी चीजें, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट वो लोग देते हैं आपको लिखने के लिए, मतलब वहां से नोट्स बनाना अल्टीमेट होता है, बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से, ठीक है। वहां पे आप जाओगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें मिलेंगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ बताया जा रहा है आपको जो आपके उससे सिर के ऊपर से जा रहा है, नहीं, आपके ही लेवल का होगा सब कुछ, आपको उतना ही बताया जाएगा जितनी जरूरत है। उसके साथ साथ वो आपको क्लिनिकल, उस चीज की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बताएंगे, उसके साथ साथ उनकी इमेजेस जो होती हैं उनकी अलग से इमेज वो लोग बना के रखे हैं, वहां से आप उनकी
फॉर एग्जाम्पल रेडियस की मैं बात करूँ तो रेडियस बोन जब आप पढ़ोगे तो उसकी आपको बोन्स दिखाई देंगी, अलग अलग एस्पेक्ट से आपको बोन दिखाएंगे वो लोग, पोस्टीरियर, एंटीरियर, लेटरल, मीडियल, का मतलब सब तरीके से जितना पॉसिबल हो सकता है आपके लिए एनाटॉमी में। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को इनकी लगती है, सबसे अच्छी चीज जो इनकी मेरे को लगती है वो ये कि आप कोई भी टॉपिक इनका निकालोगे तो उसमें आपको एक सेक्शन मिलेगा अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर की पॉइंट्स, मतलब वो पर्टिकुलर टॉपिक के की पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए जो आपको याद रखने हैं, वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर आप क्विक रिवाइज कर रहे हो कोई भी टॉपिक तो की पॉइंट्स में सारे मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने कहते हैं, तो वो चीज मेरे को इनकी सबसे अच्छी लगती है। तो वहां से आप नोट्स बना सकते हो। एंड मैंने भी मेरे जितने थोड़ा बहुत नोट्स बनाए हैं वो भी मैंने canhub.com से बनाए हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो सारा मैंने canhub से बनाया है। तो आई सजेस्ट कि आप एक बार विजिट करना canhub.com भी, तो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। तो दैट्स इट यार, आज की वीडियो में सबसे पहले हमने बात करी टीचर्स की, लेक्चरर्स जो हैं जो अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको देते हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस जो डालते हैं एनाटॉमी के लिए, सैम वेबस्टर, डॉक्टर अश्विनी कुमार, डॉक्टर आजम, ये तीन टीचर्स मेरे टॉप थ्री में रहते हैं। ठीक है, आपका हो सकता है आपके कुछ अलग टीचर्स हों, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने बात करी प्रैक्टिकल पार्ट की, तो प्रैक्टिकल में हमने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड वाइवा वॉइस ऑफ एनाटॉमी, ये दो चैनल्स हैं, मस्ट विजिट अगर आपको क्लिनिकल पार्ट अच्छा करना है, अगर आपको क्लिनिकल पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग करना है। एंड फाइनली हमने बात करी नोट्स की, तो नोट्स के लिए यूज करोगे आप canhub.com, मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरी सजेशन आप मान रहे हो तो एक बार जरूर ट्राई करना यूज करके कि आपको कैसा लग रहा है। तो ये सारे रिकमेंड हैं भाई आपके लिए, अगर आप अच्छे से एनाटॉमी पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली यूज करना इन सभी चैनल्स को, फायदा उठाना जितना आप उठा सकते हो इनकी टीचिंग का, जितने बेहतरीन टीचर्स हैं, जितनी बेहतरीन ये चैनल्स हैं, प्रैक्टिकल चैनल्स हैं, जितनी बेहतरीन वो वेबसाइट है canhub.com, तो इनका कलेक्टिवली अगर आप फायदा उठाओगे तो आपकी एनाटॉमी काफी अच्छी हो जाएगी, इतना मेरे को यकीन है। राइट, तो दैट्स इट यार, खत्म करते हैं आज की वीडियो को, और काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना सबके साथ जितने मेडिकोज हैं, जो जो मेडिकल पढ़ रहे हैं, जो जो एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो, कोई कमी लगी आपको वीडियो में, या फिर आपके कोई पर्सनल फेवरेट टीचर, कोई फेवरेट यूट्यूब चैनल जो एनाटॉमी अच्छा पढ़ाता है वो भी आप कमेंट में टाइप कर सकते हो। इंस्टा पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, अगर आप मेरे को थोड़ा पर्सनली क्लोज जानना चाहते हो, क्लोजली मेरे को थोड़ा जानना चाहते हो पर्सनली, तो आप फेसबुक इंस्टा पे मेरे को फॉलो करते हो कर सकते हो। एंड बाकी टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है MBBS अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, उसे आप जरूर ज्वाइन करना, वो मैं रिकमेंड करूंगा सभी स्टूडेंट्स को जो MBBS कर रहे हैं अब्रॉड से। मैं सारा स्टडी मटेरियल उस ग्रुप में डालता रहता हूँ, एंड डेली डालता हूँ, ऐसा नहीं है कि 10 दिन बाद डालूँ, 15 दिन बाद डालूँ, डेली उसमें डालता रहता हूँ। और अभी क्रोक आ रहा है तो क्रोक के क्वेश्चंस भी मैं उसमें डालता रहता हूँ, और जितना क्रोक से रिलेटेड मटेरियल मेरे को मिलता है ताकि क्रोक आसान हो जिन मटेरियल से, वो भी मैं डालता रहता हूँ, तो वो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। राइट, तो दैट्स इट, और नीट आ रहा है आपका, पढ़ाई करते रहो, मैं ऐसे वीडियोस डालता रहूंगा इंटरेस्टिंग सी, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको MBBS अब्रॉड का पता लगता रहे कि MBBS बाहर की जो दुनिया है, अब्रॉड से हम MBBS करते हैं उसमें क्या कुछ चल रहा है, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं डालता रहता हूँ, तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।